महोबा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची की मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती है। बताया जा रहा है कि बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्ची को सुबह धड़कन आई 7:30-8 बजे करीब, तो मैं इमरजेंसी लेके आया तो उसने दवा वा दी, कह रहे भर्ती कर दो। मैं डॉक्टर साहब आए तो जांच की, कह रहे उसके वो कराओ जांच। मैंने जांच कराई, सीटी स्कैन कराने के बाद मैंने दवा पिलाई, बस उसको दवा पिलाने के बाद 10 मिनट में उसको झटका आने के बाद मैं फिर ले आया नीचे इमरजेंसी में लाने के बाद कह रहे बद देखा, कह रहे खत्म हो गई बिटिया, कल ले जाओ इसको जो है। नए ऑक्सीजन लगाया, नए जाँच की और बस ले गए घर पर, तो पूरी बिटिया 10 मिनट बाद गर्म हो गई थी पूरी, उसमें जान भी आने लगी थी। वो निदान अस्पताल ले गए तो वहाँ बोले गए यहाँ उसको सरकारी ले जाओ, यहाँ पे हमारी मशीन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लाए तो कह रहे बिटिया खत्म हो गई है, उसमें हमारी क्या गलती है, हम क्या कर सकते जो है। सिविल ऑफिस के पास गए तो वो कह रहे हम क्या कर सकते हैं इसमें जो है खत्म हो गई, तो कह रहे अब मैं कह रहे ट्रीटमेंट करते रहे थे, मैंने क्या ट्रीटमेंट कर रहे जो है, आपकी ट्रीटमेंट होते तो बच्चे की जान ही ना जाती जो है। ये कहना बिल्कुल गलत है, वो बच्ची को डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर करा था बिल्कुल, वो तम वो सब चीज़ें देख के हार्ट बीट और उसका ECG करके सब देख के करा था, वो तभी एक्सपायर थी और बाद में भी एक्सपायर रही। वो मस थोड़ा सा गर्म, कह रहे हैं बच्चे का शरीर गर्म था, तो गर्म तो होता ही है, थोड़ा हल्का एकदम टेम्परेचर ठंडा नहीं होता, टाइम लगता है ठंडा होने में। एक और उनका आरोप है कि सर वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपके लिए बोल रहे हैं कि सर ने कहा वो पहले की बात है, जो एक दिन डॉक्टर एक शराब पिया था तो उसकी ड्यूटी हटा दी गई थी, वो पहले की पुरानी बात है। आप आज खाच में